नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। चित्रकूट में बनने वाले लकड़ी के खिलौनों की अब देश और दुनिया में धूम मचेगी। ये तब होगा जब 29 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां के शिल्पकारों से मन की बात करेंगे। इसकी पूरी तैयारी जिला प्रशासन द्वारा कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चित्रकूट के लकड़ी के खिलौने काफी पसंद आए थे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के शिलान्यास के दौरान यहां के शिल्पकारों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लकड़ी की बनी पंचमुखी गणेश प्रतिमा भेंट की गई थी और उस दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने शिल्पकारों के काम को सराहा था। चित्रकूट के जिलाध्यक्ष चंद्रप्रकाश खरे ने बताया कि 29 अगस्त को होने वाली प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में चित्रकूट जिला भी शामिल है। यहाँ के एक जिला एक उत्पाद में शामिल लकड़ी के खिलौनों पर प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। इसके लिए चित्रकूट सीतापुर निवासी शिल्पकार बलराम सिंह राजपूत और धीरज द्विवेदी का नाम भेजा गया है। दोनों ही शिल्पकारों से प्रधानमंत्री सीधा संवाद करेंगे। धीरज कहते हैं कि दुनिया में खिलौनों का 7 लाख करोड़ रुपए का निवेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की बड़ी भागीदारी चाहते हैं। वे लकड़ी के खूबसूरत खिलौने विदेशी मेहमानों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए यहां की काष्ठकला को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन और निर्यात की जरूरत है। तो वहीं शिल्पकार बलराम राजपूत कहते हैं कि चित्रकूट में 600 परिवार पीढ़ियों से लकड़ी के खिलौने बनाते आए हैं। यहाँ के खिलौने अमेरिका व मलेशिया से लेकर ब्रिटेन तक प्रदर्शनी में वाहवाही बटोर चुके हैं। ये हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि एक देश पर सर्वोच्च पदासीन व्यक्ति से संवाद करने का अवसर मिला, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और यही आशा करके हम लोग बहुत दिनों से बैठे थे कि लकड़ी के खिलौने पर जब मोदी जी बोले तो हमको बड़ा हर्ष महसूस हुआ कि हमारे इस उद्योग को एक देश के प्रधानमंत्री ने जो है इसको अपने विजन में जोड़ा, ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हम लोगों का जो ये उद्यम है बहुत पुराना है चित्रकूट का, विगत 300-400 वर्षों से तो इस उद्योग से जुड़े भाई लोग हैं ही, किंतु आज तक कभी ऐसी पहल नहीं भाई एक इसको इंटरनेशनल मार्केट दी जा सके। समस्या ये जो इसका रॉ मटेरियल है इसकी, जैसे लकड़ी हुई तो लकड़ी जो है इस समय वन निगम कटान नहीं करा रही है 3-4 वर्ष, तो तकलीफ हो रही, थोड़ा हमारी दिक्कतों से लकड़ी उपलब्ध हो पा रही है। और ये जैसे बिजली कनेक्शन है तो ये कमर्शियल में दे रहे हैं बिजली विभाग, इसको अगर घरेलू उत्पाद में दे दें तो, क्योंकि इसमें आधे हाथ पावर पर आई थी, एक हाथ पावर से हम लोग काम करते हैं तो काफ़ी और ज़्यादा लोग जो है इससे जुड़ जाएंगे, जो है काम में अच्छे प्रकार से इसका जो है विकास हो सके।